खंडवा जिले के मोदीनगर में लोगों ने कॉलोनाइजर पर 100 साल पुरानी बावड़ी को क्षति पहुंचाकर सरकारी संपत्ति तोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने इस मामले में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर के वार्ड क्रमांक 5 में पलसद रोड के नजदीक काटी जा रही कॉलोनी को लेकर विवाद गहरा हो गया है। कॉलोनाइजर ने शुक्रवार को पलसद रोड के बाजू में बनी 100 साल पुरानी बावड़ी की दीवार को तोड़कर मलबा बावड़ी में भर दिया है। नगर परिषद ने पूर्व से निर्मित मोटर पंप घर, पशु होज और सार्वजनिक शौचालयों को तोड़ दिया है। पूर्व नगर परिषद संतोष राठौर ने शनिवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार मुंदी के कार्यकाल में रीडर यतीन्द्र गौतम को सौंपा। कॉलोनाइजर ने शासकीय संपत्ति को तोड़कर अवैध कृत्य को अंजाम दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर परिषद की शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। नगर परिषद मुंदी के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराकर कॉलोनाइजर का लाइसेंस निरस्त किया जाए। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। कॉलोनाइजर के द्वारा लगभग 100 वर्ष पुरानी बावड़ी, जहाँ पे हमारे नगरवासी बरसों से पानी भरते थे, पीने का पानी यहाँ से सप्लाई होता नगर परिषद के माध्यम से, और कल शाम को कॉलोनाइजर द्वारा इसकी बाउंड्री वाल तोड़ दी गई। शायद में सुविधाकर सार्वजनिक शौचालय बना तो स्कूल तोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं, और ये नगरवासियों की आस्था का एक जुड़ी, नगरवासियों की आस्था जुड़ी है इस बावड़ी से। यहाँ पे अगर किसी परिवार में कोई गम या मृत्यु होती है तो उस परिवार के महिला पुरुष भी यहाँ पे बाहर भीतर उठाना कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आते हैं। ये इसके पास में पीपल का झाड़ भी है, पीपल के झाड़ पे ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। नगरवासियों की आस्था जुड़ी है। हम चाहते हैं कि कॉलोनाइजर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल दिनांक 27/11/2020 को सायंकाल 7:30 बजे मूंदी के कुछ नगरवासियों के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि मूंदी की वह ऐतिहासिक बावड़ी जो पिछले 100 वर्षों से इस मूंदी नगर के लोगों की ही नहीं बल्कि यहाँ के पशुओं की भी प्यास बुझाती रही, साथ ही साथ उस बावड़ी पर इस नगर में जब भी किसी की गमी होती थी, घर में कहीं कोई परिजन उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो नगरवासी इस बावड़ी पर जाकर के उस बावड़ी के जल से पास के पीपल के पेड़ पर सिंचन कर पूजन करके बाहर भीतर की प्रक्रिया पूरी करते थे, और यह बावड़ी सार्वजनिक रूप से पिछले 100 वर्षों से मुक्त थी। इस बावड़ी के चारों तरफ लगभग 7-8 वर्ष पूर्व एक बाउंड्री वाल नगर परिषद मुंदी के द्वारा बनाई गई थी। लगभग 5 वर्ष पूर्व एक सार्वजनिक शौचालय भी इसी बाउंड्री के बगल में बनाया गया। लगभग 30 वर्ष पूर्व इसी बाउंड्री के बाहर एक मोटर घर पुराना बना हुआ है, जिसकी में मोटर रखी हुई है, और इस मोटर के माध्यम से इसकी पाइपलाइन के माध्यम से उस क्षेत्र के अंदर जल प्रदाय होता था। इतने लंबे अरसे तक यह स्थान सार्वजनिक और शासकीय बना रहा, लेकिन अचानक एक कॉलोनाइजर के द्वारा इसके पीछे स्थित 1105/2 की जमीन खरीदने के बाद में इस जमीन को अपना बता करके कल उसको उन्होंने वहां पर ना सिर्फ पूरी बाउंड्री को तोड़ दिया गया, बल्कि उस बाउंड्री के पूरे मलबे को उस ऐतिहासिक 100 साल पुरानी बावड़ी के अंदर उसका मलबा डाल करके उसको पूरा बूझ भी दिया है उसको। इस अवैधानिक और इस तरह की कार्रवाई के लिए मैं माननीय खंडवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस कॉलोनाइजर का कॉलोनी एक्ट रद्द करें और इसके विरुद्ध सख्त से सख्तम कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के सीएमओ को आदेशित करें कि शासकीय संपत्ति को इस प्रकार अवैध तरीके से इसने जो तोड़ा है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए मूंदी पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी माननीय कलेक्टर महोदय प्रसारित करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।